नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि हमने बहुत बहुत तपस्याओं के बाद ये शरीर पाया था, परंतु हमने हमारे कर्मों के द्वारा बहुत चीजें खराब कर ली। तो ईश्वर ने हमें दंड के स्वरूप इतना बड़ा एक दिया है दंड, तो अब क्या करो उसको। अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी हम गलतियां कर रहे हैं, इसलिए 10 दिन का लॉकडाउन फिर से लग गया। अभी भी कॉशियस हो जाए। एज ए चांसलर सेल यूनिवर्सिटी में शपथ नहीं ले रहा हूं, एज ए इस मानव सभ्यता का एक जिम्मेदार नागरिक के नाते में शपथ लेता हूं कि मैं अपनी योग साधना ध्यान के साथ में अपनी हेल्थ पे, अपनी इम्यून सिस्टम पे बहुत वर्क करूंगा। तो मैं क्या वर्क करूंगा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको भी वो वर्क करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, दिन में 2 बार गर्म पानी से नहाना, 2 बार स्टीम लेना, 2 बार गरारे करना, ये कंपल्सरी है। साथ में काढ़ा और नींबू पानी गर्म पानी से लेना, तो इससे हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और जो एलोपैथिक में विश्वास रखते हैं उनको जिंक की टैबलेट, विटामिन सी लिम सी की आती है डेली एक टैबलेट, मल्टी विटामिन सुप्राडीन जो होता है वो एक गोली डेली, और कैल्शियम की गोली ले लें, सेल्शियल जो 500 आती है वो एक गोली। तो ये आप जो एलोपैथिक वाले हैं ये 4 गोली डेली लेना शुरू करते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा। परंतु जो लोग आयुर्वेदिक में विश्वास रखते हैं, नेचुरोपैथी में विश्वास रखते हैं, उनको गुलाब वाटी, तुलसी वाटी, स्पिरुलिना जो एक बाबा रामदेव की मल्टी विटामिन है वो ले लें, और अश्वगंधा, ये 4 गोली लें डेली, तो आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा। अगर आयुर्वेदिक में ये नहीं लेना चाह रहे तो बाबा रामदेव ने भी एक कैरोलिन करके पूरा वो पैक निकाला है, उससे भी बहुत अच्छा है, वो ले लें। पर तो करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइम है, इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, और मालूम नहीं क्या होगा। तो इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाएं। और मैंने जो मैसेज आपको दे रहा हूं, या तो अपने वॉइस में लेके आगे स्प्रेड करें, तो मेरी वॉइस में स्प्रेड करें, परंतु जन जन तक पहुंचाना है, जन जन को जगाना है, खुद भी जगना है, सबको जगाना है। इसी विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद।